बॉटल में होल कर लो और उससे आप प्रेशर मार सकते हो। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राइडर्स जंक्शन। की हालचाल मेरे सोने हो, मक्खन दे डोने हो, कैसे हो? सो आज हम आए हैं एक प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए। ये प्रोडक्ट मुझे किसी कंपनी ने नहीं दिया, जिस कंपनी का है उस कंपनी ने नहीं दिया। ये जस्ट मैंने एक बार यूज़ किया था, सो मैं बहुत खुश हुआ प्रोडक्ट से। देन आई डिसाइडेड कि मैं इस प्रोडक्ट का एक रिव्यू बताता हूँ। सो प्रोडक्ट क्या है, जैसे आप सब लोग बाइक चलाते हो तो आपके 500 या 700 किलोमीटर के बाद बाइक की चेन गंदी होती है, राइट? तो बाइक की चेन गंदी होती है तो उसको साफ़ कैसे करना है? अब हर बार अगर आप मैकेनिक के पास जाके चेन साफ़ करवाओगे, उसने तो आपके 200 रुपये झाड़ लेने बिना बात के। सो उसके लिए प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक है ये मोटूल का चेन क्लीनर। क्लीन करने के बाद जब पानी मार के आप उसको पूरा वॉश आउट कर दोगे, उसके बाद चेन ल्यूब। सो इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आओ पहले मैं आपको बाइक की चेन की कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखो बाइक की चेन की कंडीशन, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इतनी मिट्टी है, चेन पूरी तरह ड्राई है, इधर भी देख लो तो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल चेन ड्राई है। तो एक बार मैं इसको आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, इसको किस तरह से यूज करना है। पहले एक बार बाइक पे नजर मार लो। चलो अब हम इसे शुरू करते हैं चेन क्लीन करने के लिए। आओ चेन क्लीन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप जो चेन का पार्ट है यहाँ पे स्प्रे मारो। मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी को पहले गियर में डाल देता हूँ ताकि टायर हल्का हल्का रोटेट करता रहे। चेन क्लीन करने के बाद, अब चेन पे स्प्रे मारने के बाद, अब मैं ब्रश है पुराना टूथब्रश, इससे अब मैं चेन को अच्छे से क्लीन करूँगा। तो आओ एक बार पूरा चेन को क्लीन कर देते हैं ताकि उसके बाद क्या है कि जितनी भी डस्ट है वो सारी बाहर निकल आएगी और देन हम पानी मार के उसको वॉश आउट कर देंगे। ये देख लो जितनी गंदगी थी वो सब बाहर आ जाएगी। ये सब जो है ये इससे नहीं आएगा, इसके बाद मैं इसको वॉश करवाऊंगा। जब ये पूरी सूख जाएगी उसके बाद मैं इसको वॉश करवाऊंगा, वॉश करने के बाद इस पर चेन लूप मारूंगा। सो अभी देख लो दोबारा से और करता हूँ।
आपने देख लिया जो मैंने चेन क्लीन कर ली है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितनी गंदगी निकली है इस चेन से। ये अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने साफ किया है, बट प्रॉपर सफाई जो होगी इसके बाद जब वॉशिंग होगी उसमें होगी। हैव अ लुक। इस तरह से आप बॉटल में होल कर लो और उससे आप प्रेशर मार सकते हो। अब तो बॉटल खाली होगी तो प्रेशर लग नहीं रहा। चेन वॉश हो गई है अच्छे से, चेन अच्छे से क्लीन हो गई है और पानी मार के भी साफ़ कर दी है। अभी मैं इसको ले जाऊंगा वॉश करने के लिए। अभी कुछ अर्जेंट काम है तो मैं वॉशिंग की वीडियो साथ में ऐड नहीं कर सकता। सो आप देखो, जो भी आप चेन क्लीन करवाओ, चेन क्लीन करवाने के लिए आपको मैंने बताया मोटूल का, और चेन ल्यूब यूज़ करने के लिए डेलकॉन का। डेलकॉन का मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, बेसिकली अगर आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी सर्विस सेंटर से करवाते हो सर्विस तो वो डेलकॉन का ही यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मैंने एक दो बार यूज़ किया है, आई लाइक दैट प्रोडक्ट। सो आपको आई होप वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और भी कई सारी वीडियोस हैं और जैसा मैंने आपको बताया था 28th of May एक टूर ट्रिप प्लान हो रहा है, उसके बारे में भी आपको जल्दी अपडेट मिलेगी। 7 to 8 days का ट्रिप है, जल्दी बताऊंगा। और जो मैं लोकेशन के ऊपर हूँ, बेसिकली जो लोग टू व्हीलर फोर व्हीलर सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो यहीं पे आके करते हैं। और मैंने कई बार देखा है यहाँ पे कुछ स्टंट्स भी करते हैं, कुछ लड़के स्टंट्स करते हैं जिनकी प्रैक्टिस वो करते हैं। सो गलत है यार, स्टंट्स मत किया करो। बाकी आपको आगे के लिए और भी कई सारी वीडियोस आएंगी जल्दी से जल्दी। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक जो यूट्यूबर होते हैं उनको बेसिकली गर्मियों में एक चीज़ अच्छी होती है, हाथ बहुत गंदे हो गए मेरे, गर्मियों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि शाम तक काफ़ी, मतलब दिन काफ़ी देर तक रहता है, लेकिन दिन में हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो उसका कुछ हम कर नहीं सकते, देखते हैं आगे। सर्दियों में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सारी वीडियोस बनाएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।